हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मैं आपको लेके आया हूं आज बलवन के मकबरे पर, महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में। ये जो मेरे पीछे आप कब्र देख रहे हैं, ये कब्र है बलवन की कब्र। और ये तो इस वीडियो में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ पर आप कैसे आएँगे, और बलवन के इतिहास के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और आप यहां पर कैसे आ सकते हैं बाय मेट्रो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये कब्र, ये बलवन की कब्र है, ये महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में बनी हुई है। इसके बारे में बताऊँगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा, स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा। ये पूरा मकबरा यहाँ पर आप देखोगे सारा खंडहर हो गया है, बिल्कुल जर्जर, यहाँ पर कुछ साबुत नहीं बचा है, सब कुछ टूटा फूटा हुआ है। यहाँ तक कि जो बलवन है, इनकी सिर्फ कब्र रह गई है। मकबरा पूरा ऊपर से बिल्डिंग इनकी जो थी, इमारत गुंबद, वो टूट गया है। तो वीडियो में बने रहे, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। क्या आप भी देखना और घूमना चाहते हैं सुल्तान गयासुद्दीन बलवन के मकबरे पर, तो आ जाइए महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क महरौली में। महरौली के बाईपास रोड, बदरपुर की तरफ जो रोड गया है, उस रोड से आपको आना होगा। आगे आपको दिखाई देगा महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में आपका स्वागत है, इसी बोर्ड से आपको अंदर आना हो। टाइमिंग की बात करें, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये मकबरा खुला रहता है, हफ्तों के 7 दिन खुला रहता है। और यहाँ के टिकट प्राइस की बात करें, बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ की करीबी मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार या छतरपुर मेट्रो स्टेशन से आप ऑटो से चलकर यहाँ पर 10 मिनट में आ सकते हैं। दोस्तों, सुल्तान गयासुद्दीन का मकबरा किला पूरा ढह चुका है, खंडहर है, देख सकते हैं पूरा का पूरा। ये उनका मकबरा, यहाँ किला बना हुआ था, पूरा ये खंडहर में तब्दील हो गया है। और इसके ही सामने जमाली कमाली मस्जिद है, और ये यहाँ पर पहाड़ का भी कुछ हिस्सा दे रखा है। खैर, वीडियो में बने रहें, अब मैं आपको यहाँ के एंट्री गेट से लेके चलता हूँ अंदर। एंट्री गेट के पास में आपको पार्किंग मिल जाएगी, वहाँ पर आप अपने 2-व्हीलर 4-व्हीलर खड़ी कर सकते हैं। और देख सकते हैं ये पहाड़ का भी यहाँ पर कुछ हिस्सा है, और ये मेन गेट है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। तो अंदर चलेंगे, अंदर दिखाएंगे पूरा खंडहर, ये मकबरा है। देख सकते हैं ये महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में ये पूरा किला जो था बलवन का, पूरा खंडहर हो चुका है। यहाँ पर कुछ भी साबित नहीं बचा, यहाँ तक कि जो बलवन जो सुल्तान थे, उनका भी किला जो है बिल्कुल ढह गया है। उनकी सिर्फ कब्र बची हुई है, कब्र को मतलब मॉडिफाई किया गया है, थोड़ा रिपेयर किया गया है, पुराना हिसाब किताब कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर आप मेरे पीछे वीडियो में देख रहे होंगे, सारी इमारत जर्जर हो चुकी है। ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये मकबरा बना हुआ है, फैला हुआ है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ खंडहर हो गया है, बिल्कुल खंडहर, कुछ नहीं बचा है, सब टूट फूट गया है। और बाकी वीडियो में बने रहे, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा और दिखाऊंगा यहाँ का स्ट्रक्चर। यहाँ पर थोड़ा पहाड़ टाइप का एरिया है, यहाँ पर थोड़ी ऊंचाई है और पहाड़ भी है, बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ये मेनूमेंट बना हुआ है, काफ़ी ऊंचाई है। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे, कुतुब मीनार भी पास में ही आपको दिखाई दे रहा होगा, और जमाली कमाली मस्जिद भी बिल्कुल पास में ही है। और यहाँ से बलवन का जो मकबरा है, पूरा जो मकबरा का अस्तित्व है, पूरा दिखाई देगा, बिल्कुल खंडहर हालत में, ऊंचाई से यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। मैं कैमरे को जूम करके दिखाऊंगा आपको। दोस्तों, बात करते हैं इतिहास के बारे में। सुल्तान गयासुद्दीन बलवन का इतिहास बहुत ही संघर्ष भरा रहा है। अगर आप उनका इतिहास जब सुनेंगे तो आपको बहुत ही अजीब सा लगेगा। सुल्तान गयासुद्दीन बलवन गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक था, और उसने अपनी मृत्यु तक दिल्ली पर शासन किया। गुलाम वंश को मामलूक वंश के नाम से जाना जाता था। इससे पहले कि हम बलवन के मकबरे के इतिहास के बारे में बात करें, बेहतर होगा कि हम पहले बलवन का इतिहास जान लें। गयासुद्दीन बलवन का जन्म 1206 ईस्वी में इलवारी जनजाति में एक तुर्की रईस के यहाँ हुआ था। वह एक
जलवाहक लड़का था। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों ने उसे पकड़ लिया और अफगानिस्तान के बाजारों में गाजी ख्वाजा जमाल उद्दीन बसरी, जो एक बगदादी व्यापारी था, बलवन सुल्तान बलवन को दास के रूप में, बाल दास के रूप में बेच दिया था। इसके बाद में उसे फिर से इल्तुतमिश को गुलाम के रूप में बेच दिया गया था, लेकिन इल्तुतमिश के बादशाह कुतुब उद ऐबक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने उसे बलवन को गुलामी से मुक्त कराने का आदेश दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बलवन का पालन पोषण अपने पुत्र के समान किया। उन्होंने उसे एक राजकुमार के रूप में शिक्षित किया। उन्हें बलवन को अपना पीए और करीबी विश्वास पात्र भी नियुक्त किया। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद बलवन ने दिल्ली के पड़ोसी कई क्षेत्रों को जीत लिया था। जब नासिर उद्दीन महमूद को सुल्तान का ताज पहनाया गया तो उन्हें प्रधानमंत्री का पद संभाला। बलवन ने अपनी बेटी का विवाह किया और इस प्रकार जब नासिर की मृत्यु हो गई तो बलवन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। कुछ स्थानों पर उनकी आयु 60 वर्ष बताई गई है और कुछ स्थानों पर जब सुल्तान बना तब उसकी आयु 66 वर्ष बताई गई है। वह गुलाम वंश का नौवा और अंतिम शासक था। उन्हें लोहे की मुट्ठी वाले शासक के रूप में भी जाना जाता था। जैसा कि सामने आप ये जो कब्र देख रहे हैं, ये है सुल्तान ग्यासुद्दीन बलवन की कब्र, देख सकते हैं। ये बिल्कुल खस्ता हालत में है। उनका पूरा मकबरा टूट गया है, ढह गया है। सिर्फ ये कुछ अंश बचे हुए हैं इस मकबरे के, और ये मकबरा काफ़ी बड़ा हुआ करता था दोस्तों। आज इस मकबरे की ये हालत है, देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक ये पूरा जर्जर है, टूट चुका है। ये हालत है सुल्तान ग्यासुद्दीन के मकबरे की, देख सकते हैं। ये कब्र बनी हुई है और इनकी कब्र पर कुछ कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। हालांकि इस कब्र को ऊपर से थोड़ा रिपेयर भी किया है, देख सकते हैं। नया पत्थर लगा हुआ है, लाल पत्थर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बारीकी से कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं इन ग्यासुद्दीन बलवन की कब्र पर। देख सकते हैं कितनी बारीकी से यहाँ पर कुरान की आयतों को लिखा गया है लाल पत्थर पर। मैं छूकर देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पास में ही बिल्कुल महरौली का जंगल है, यहाँ पर मोर की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। और देख सकते हैं ये ऊपर से इस कब्र पर नया पत्थर लगाया गया है, नीचे पुराना भी पत्थर लगा हुआ है। ये कुरान की आयतें जो लिखी हुई हैं पत्थर, ये पुराना ही है, देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है पूरे इस मकबरे का, जो पूरी तरीके से ढह चुका है। मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ, अंदर दिखाते हैं। अंदर का पूरा हिसाब किताब ढह चुका है, खंडहर है, देख सकते हैं। ये सिर्फ मेहराब की दीवारें ही रह गई हैं, ये मेहराब खड़ी हुई हैं, चारों तरफ मेहराब मेहराब बची हुई हैं, जिनको दर भी बोलते हैं। ये सिर्फ दर और मेहराब बची हैं, बाकी पूरा छत और दीवारें गिर चुकी हैं, ढह चुकी हैं। देख सकते हैं आप सुल्तान बलवन का मकबरे का, ये कभी मेन द्वार हुआ करता था, देख सकते हैं। ये लाल और भूरे रंग के पत्थर का उपयोग किया हुआ ये मेन एंट्री गेट है, देख सकते हैं मकबरे के अंदर जाने का। आज ये बिल्कुल जर्जर खंडहर है, देख सकते हैं। ये कितनी अच्छी कारीगरी से इन यहाँ पर थमलों को बनाया गया था, मेन गेट बनाया गया था लाल और भूरे रंग के पत्थर का उपयोग करके, और आज यहाँ की ये हालत है। देख के बड़ा अफसोस लगता है दोस्तों कि सुल्तान बलवन ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और आज उनके कब्र और मकबरे का ये हाल, जो कभी दिल्ली का बादशाह हुआ करता था। दोस्तों, महरौली आर्कोलॉजिकल पार्क स्थित बलवन के मकबरे के इतिहास के बारे में अभिलेखों के अनुसार यह मकबरा 1287 ईस्वी में बनाया गया बताया जाता है। यह मकबरा आज खंडहर हालत में खड़ा हुआ है, जहां अधिकांश संरचनाएं या तो गिर गई हैं, टूट गई हैं, कोई नहीं जानता। इस मकबरे में खाने शहीद की कब्र भी है, जो उनके बेटे बताए जाते थे। खाने शहीद की 1285 में मुल्तान में मंगोलों के खिलाफ लड़ाई में मृत्यु हो गई थी। अपने बेटे की मृत्यु सुनते ही बलवन को रहा नहीं गया और बलवन की भी मृत्यु उसी समय हो गई थी। बलवन का दूसरा बेटा बंगाल में रहता था, वो अपने पिता से मिलने नहीं आया था, इसलिए बलवन ने अपने पोते को अगला शासक घोषित कर दिया था। दोस्तों, लोगों का कहना है, मानना है कि सुल्तान ग्यासुद्दीन बलवन की कब्र से खुशबू आती है, तो मैं चेक करता हूँ क्या ऐसा वाकई सच है। चेक करने से पहले मैं सुल्तान बलवन की कब्र पर फातह वगैरह, उनकी बख्शिश की दुआ करते हैं, और
सूंघते हैं, देखते हैं कि मुझे खुशबू मतलब महसूस होती या नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जो सामान्य पत्थर की खुशबू आती है वैसे ही यहाँ पर सामान्य पत्थर की खुशबू ही आ रही है। सिर्फ जैसे पत्थर की खुशबू होती है वैसे ही खुशबू है, और जो खुशबू बताते हैं कि आती है वैसी मुझे तो नहीं लगी है। और लोगों का कहना है कि यहाँ पर खुशबू आती है, फ़िलहाल मुझको तो महसूस नहीं हुई है खुशबू। अब मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कब्र का नज़ारा, देख सकते हैं। ये एक मैं ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, एक इमारत, टूटी हुई इमारत के ऊपर देख सकते हैं ये कब्र बनी हुई है सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन की, और इसके स्ट्रक्चर तार चारों तरफ आपको टूटे हुए दिख रहे होंगे, देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों ये था सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन का इतिहास, आपको कैसा लगा? दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही दिल्ली के मॉन्यूमेंट की हिस्ट्री जानने के लिए, दिल्ली में ट्रेवलिंग करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आने वाले समय में बेहतर से बेहतर जगहों की वीडियो के साथ, हिस्ट्री के साथ, डिटेल के साथ, जानकारी के साथ आपको वीडियो दे सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। थैंक्स, धन्यवाद।